बेगूसराय जिले के प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन बीरपुर में सोमवार को प्रखंड स्तरीय परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख फूलन देवी ने की। संचालन बीडीओ अखिलेश कुमार ने किया। इसमें स्वास्थ्य, मनरेगा, आवास बैंक, स्वच्छ भारत मिशन, बिजली समेत विभिन्न विभागों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक कुंदन कुमार ने कहा कि यहां की समस्याओं से हमें अवगत कराया जाए तो समस्याओं का निदान करने की पहल की जाएगी। वीडियो अखिलेश कुमार ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार के निर्देश पर प्रखंड स्तरीय परामर्श समिति का गठन किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुशील कुमार गोयनका ने पीएससी के उत्तरी तल पर एक मीटिंग हॉल का निर्माण व पीएससी में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मांग की। पर्रा के मुखिया लाल बहादुर शर्मा व पंचस्थ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि सरंजा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर आवारा पशुओं का बसेरा रहता है और ड्यूटी में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ रहता है, जिस पर विधायक ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अविलंब व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया। बीटी न्यूज बिहार के लिए बीरपुर से कुमार शशि की रिपोर्ट। जमीन भी जाते रहेंगे सड़क का और नाला भी खो दीजिए, किससे होगा? फिर हो सकता है कि राय की जाए तो किससे होगा? बताइए, आप बताइए, क्या करेंगे?